बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए गैंग रेप केस की, जहां पर आरोपी मोइन खान के, आप देखिए किस तरह से खिलाफ योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी मोइन खान के अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया है और ये पूरी कार्रवाई अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। मौके पर कोई हंगामा न हो इसके लिए पहले से ही पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया और भारी पुलिस वालों की देखरेख में अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कुछ देर पहले यहाँ पर ये जो बेकरी थी, यहाँ पर एक निर्माण था और उस निर्माण को बुलडोजर नंबर 2 इसको हम कहें, देखिए पहला जो बुलडोजर था, पहला बुलडोजर जो यहाँ पर किनारे पर जो मिट्टी थी उसमें धस गया, तो फिर दूसरा बुलडोजर मंगाया गया और दूसरे बुलडोजर ने अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया और ये तस्वीर आपके सामने। आप इतना ही नहीं, अधिकारियों ने आरोपी मोइन खान की बेकरी पर भी छापा मारा और बेकरी में बन रहे सामान को बाहर कर उसे सील कर दिया। आरोप है कि इसी बेकरी में उस बच्ची के साथ रेप किया गया था। बताया गया कि आरोपी ने तालाब की जमीन पर कब्जा और आरोपी पर योगी सरकार के इस एक्शन से पहले पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें आरोपी पर सख्त कार्रवाई देने का भरोसा दिलाया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी, जिसके बाद योगी सरकार ने अपना वादा भी निभाया और आरोपी मोइन खान के अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि आरोपी मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता है। मोइन खान के साथ ही उसके एक नौकर पर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाने का आरोप है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने भी गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। उन्होंने पीड़िता का हालचाल पूछा और उन्हें पूरी मदद का भरोसा भी दिया, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान संजय निषाद भावुक हो गए और मीडिया के सामने ही फफक फफक कर रोने लगे। संजय निषाद ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, साथ ही उन्होंने इस लड़ाई में लोगों से साथ देने की भी अपील की। मैं समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहां तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरोपी नेता को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। अयोध्या में एक तरफ जहां आरोपी के खिलाफ बुलडोजर गरजा तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर विपक्ष को घेर लिया। गिरिराज सिंह ने इस मामले पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोइन खान। तो वहीं फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस घटना की कड़ी निंदा की और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। वहीं भगवान राम के अस्तित्व को लेकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के मंत्री ने सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री के बयान पर अब सियासत और तेज हो गई है। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस एस शिवशंकर ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने तमिलनाडु के मंत्री पर निशाना साधा। डीएमके मिनिस्टर हैज एनी नॉलेज और एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी टू क्लेम वेदर भगवान राम एग्जिस्टेड और नॉट। दक्षिण भारत के जो हमारे मित्र लोग हैं वो राम के अस्तित्व को नकारते, समूचे उत्तर भारत में
भगवान राम से ज्यादा मर्यादित कोई व्यक्तित्व ही नहीं दिखता। फिर भी मेरा निवेदन है डीएमके के साथियों से, वो ऐसे वक्तव्यों से बचें। इससे पहले भी तमिलनाडु के मंत्री दयानिधि स्टालिन ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद जमकर सियासी हंगामा हुआ था। उसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है, पहले वह जो है सनातन धर्म का कुछ ज्ञान हासिल करे, तब इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई जो है शब्द कहने पर वह निश्चित रूप से दिमाग से जो है विक्षिप्त व्यक्ति है। वहीं यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचल और तेज हो गई है। एसपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जोश में है, तो वहीं फूलपुर सीट बीजेपी के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। फूलपुर सीट पर बीजेपी और एसपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। यहां 40 से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है। अपनी तैयारी लगातार जारी है, हम कार्यकर्ता आधारित दल है, हम पहले भी तैयारी करते रहते हैं, बूथ से लेके जिले तक का हमारा मजबूत संगठन है। फूलपुर में जातीय समीकरण की अगर बात करें तो पटेल, ब्राह्मण, वैश्य और यादव प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2000 के मामूली अंतर से यहां पर जीती थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। ओवरऑल 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुख देखना पड़ेगा। उपचुनाव को लेकर अभी फिलहाल तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन फूलपुर विधानसभा सीट पर दावेदारों की संख्या ने 1,100 बीमार वाली स्थिति बना दी है। फूलपुर सीट पर आवेदन करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को ये डर सता रहा है कि कहीं भीतरघात जैसी स्थितियां उपचुनाव में भी ना हो जाए। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एंट्री हो गई है। अनिल देशमुख पर सचिन वाजे ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे सचिन वाजे ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए। 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में आरोपी सचिन वाजे ने दावा किया कि अनिल देशमुख अपने पीए के जरिए रिश्वत लेते थे। वाजे ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत भी है, इसके लिए वो नार्को टेस्ट कराने को भी तैयार है। पूरे मामले पर सचिन वाजे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी है। जो भी है उनके सारे प्रूफ है, उधर पैसे उनके पीए के थ्रू दिए जाते थे और सीबीआई के पास भी प्रूफ है, मैंने भी अभी फडणवीस को एक लेटर लिखा हुआ है। सचिन वाजे के आरोपों के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पलटवार किया और वाजे के आरोपों को खारिज करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला कि सचिन वाजे गुनहगारी प्रवृत्ति का है और उसके स्टेटमेंट पे या उसके बयानों पे कोई भी विश्वास करने लायक व्यक्ति नहीं, ऐसा हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो कम से कम देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए यही गुनहगारी प्रवृत्ति का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति उसको मिला। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सचिन वाजे को देवेंद्र फडणवीस का प्रवक्ता बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी महाराष्ट्र में मिर्जापुर बनाना चाहती है। बीजेपी ने एक क्रिमिनल क्राइम वेब सीरीज बनाई है, क्या मिर्जापुर ना? हाँ, ये महाराष्ट्र का मिर्जापुर बनाना चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र में बारिश की तरह राज्य की राजनीति भी करवट ले रही है। विधानसभा चुनाव से पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारे में अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुंबई में हो रही तेज बारिश के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ एकनाथ शिंदे से मिलने मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगलो पर पहुंचे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हुई दोनों नेताओं की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। इस दौरान सीएम शिंदे के घर पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा राज ठाकरे उनका प्रतिनिधिमंडल भी शामिल रहा। बैठक में बीडीडी चौल पुनर्विकास, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी समेत कई अहम मुद्दों पर जमकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई, हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में सीएम शिंदे और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। हर कोई इस बात की अटकलें लगा रहा है कि आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई होगी। पश्चिम बंगाल में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को जमीन देने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सौरभ गांगुली को जमीन देने पर सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
जिस पर जस्टिस जयमाल बागची की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने सिर्फ एक रुपए में सौरभ गांगुली को 350 एकड़ जमीन दे दी, वो भी 999 सालों के लिए। लेकिन अब ये मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। शेख मसूद नाम के एक शख्स ने इसके खिलाफ एक जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। सौरभ गांगुली हमारे देश के गर्व है, हमारे बंगाल के गर्व है। अगर जनहित के लिए उनको कुछ दिया गया है उसमें हमारा सम्मान बढ़ता है, स्टेट का सम्मान बढ़ता है। कोर्ट में दाखिल याचिका में जमीन देने के मामले में ममता सरकार से सवाल किए गए। हालांकि सौरभ गांगुली की ओर से इस मामले पर अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के एक मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध कब्जा हटाने पहुंची महिला वन अधिकारी को मंत्री जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आए। इस वीडियो में बंगाल के मंत्री अखिल गिरी एक लेडी फॉरेस्ट अफसर को अभद्र भाषा में धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महिला अधिकारी वन क्षेत्र में अतिक्रमण को हटा रही थी, लेकिन मंत्री अखिल गिरी को ये नागवार गुजरा। अपने समर्थकों के साथ वो वहां पर पहुंचे और अधिकारी को धमकाने लगे। इस दौरान महिला अधिकारी अपनी बात रखती रही, लेकिन मंत्री जी का पारा सातवें आसमान पर रहा। उन्होंने महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इतना ही नहीं, उनके समर्थक भी काफी गुस्से में दिखाई दिए। महिला सम्मान की बात करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या अपने मंत्री पर कार्रवाई करेगी, अब ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विरोधी दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। पुणे में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पुणे में रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे गृहमंत्री अमित शाह पर सबसे बड़ा प्रहार करते नजर आए। गृहमंत्री अमित शाह को उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया। अहमद शाह अब्दाली का राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाह होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता, आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे के हमले यहीं पर कम नहीं हुए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो सत्ता जिहाद फैला रही है। उद्धव ठाकरे ने सत्ता जिहाद का मतलब भी समझाते हुए बताया कि सत्ता जिहाद मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराना है, जो कि बीजेपी कर रही है। यूपी के आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बताया गया कि अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े दो युवक ताजमहल के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मकबरे के अंदर जाकर जल भी चढ़ाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दो लड़के ताजमहल के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। एक लड़के के हाथ में पानी की बोतल दिखाई दी। दावा किया गया कि ये युवक इसी बोतल में गंगा जल लिए हुए था, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरा लड़का वीडियो बना रहा था। मुख्य मकबरे के कब्र वाले कक्ष में पहुंचने से पहले युवक तहखाने के दरवाजे पर रुका और वहां उसने बोतल में भरे गंगा जल को चढ़ाया। युवक को ऐसा करते और वीडियो बनाते हुए देखने के बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए। भागे भागे सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया। उनको ताजमहल प्रेमाइश में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। दोनों युवकों के कथित तौर पर गंगा जल लेकर अंदर जाने और जल चढ़ाने के बाद ताजमहल की सुरक्षा पर भी फिर से सवाल खड़े हो गए। इधर आरोपी श्याम के भाई ने बताया कि वो हमेशा भूतेश्वर नाथ मंदिर पर कावड़ चढ़ाता था। उसने बताया कि उसके भाई को कुछ लोगों ने गुमराह किया, जिसके बाद वो आगरा पहुंच गया। चढ़ाते हैं तो कुछ धर्म के लोग हैं, वहाँ जब वो कावड़ चढ़ा रहे थे भूतेश्वर मंदिर पर, तो उन्होंने गुमराह किया, पता नहीं क्या किया, हमें तो पता ही नहीं है, संज्ञान ही नहीं इस बात का। और हमें तो सूचित कराया गया कि तुम्हारा भाई वहाँ आगरा में जीआरपी अपने पकड़ लिया है, मेरे पिताजी उनको अटैक पड़ गया है, वो रघुराज हॉस्पिटल में, और मेरी सिस्टर है उनकी भी तबीयत खराब है, और मेरा बेटा है उनकी भी तबीयत खराब है, और हमारा परिवार तो बहुत ज्यादा इस टाइम। यूपी के मुरादाबाद में एक इमाम पर जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार करने का बड़ा आरोप लगा है, जिसके बाद उस इमाम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इमाम पर आरोप मृतक के बेटे ने लगाया है, पूरी खबर देखिए। जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और इमाम समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई।
प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। ये मामला मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक मुस्लिम शख्स की 23 जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद जनाजे की नमाज का जब वक्त हुआ और इमाम को नमाज के लिए बुलवाया गया तो उन्होंने आखिरी समय पर नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। बताया गया कि इमाम ने नमाज पढ़ने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मृतक बीजेपी समर्थक था। इमाम ने कहा कि ये तो हिंदू है, इसलिए जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद से ही ये पूरा मामला गरमा गया। हालांकि बाद में परिजनों ने किसी और को बुलाया, जिसके बाद जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। इस घटना के बाद मृतक के बेटे ने इलाके के जिलाधिकारी से मिलकर इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भाई नुमान मसूद के एक बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। इमरान मसूद के भाई नुमान मसूद ने शिवलिंग को लेकर बयान दिया और नुमान मसूद ने ये बयान एक कावड़ शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए दिया, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया। जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजरत अस्वद कहते हैं। जिसे शिवजी जन स्वर्ग से लेकर के आए थे उस पत्थर का नाम शिवलिंग है। अपने भाई के इस बयान पर सफाई देने के लिए जी न्यूज के कार्यक्रम में इमरान मसूद भी जुड़े, लेकिन वो जी न्यूज के सवालों से बचते हुए नजर आए और बहस को बीच में ही छोड़कर चले गए। इस चीज के लिए इतनी बहस की जरूरत नहीं है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बाद में इमरान मसूद ने अपने भाई के बयान से असहमति जताई और उन्हें ऐसे बयानों से बचने की भी सलाह दी। वहीं गुजरात के जामनगर के एक इलाके में कई लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई है। वजह है, यहाँ के 748 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में जाने की मंजूरी मांगी है, जिसके लिए धोल के साथ डेयरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अर्जी देने वाले लोगों का आरोप है कि इलाके के सरकारी अधिकारी, विधायक, यहाँ तक कि नगर सेवक भी इनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। स्ट्रीट लाइट न होने लीधे पानी नो भराव थाय छे, तो पानी नो भराव थयो होय त्यारे अमने घरना पण अमने कोई तेडवावी हगी एम नथी होता। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोग विकास से दूर है और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि प्रशासन ने समस्याओं का समाधान करने का भरोसा जरूर दिलाया है। अर्जी तो आउती हमारा पास है, अर्जी ना ऊपर कार्यवाही पण थई छे। फिलहाल 748 लोगों के हिंदू धर्म छोड़ने की बात चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। राज्य सरकार भी दबाव में है, लेकिन जनता को अपनी समस्याओं का समाधान होता नजर नहीं आ रहा। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे लग रहा है कि कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि हार्ट अटैक के लक्षणों को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ सकता है। अब देखिए, डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक के ज्यादातर मामले सीधे सीधे तौर पर सीने के बीच या फिर बाईं तरफ हल्का दर्द महसूस होने पर होता है। साथ ही सीने में बेचैनी, दबाव या फिर ऐठन महसूस होना होता है। आमतौर पर लोग इसे गैस या फिर कुछ और समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इन लक्षणों के दिखते ही तुरंत आप डॉक्टर के पास जाए और उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए। साथ ही कंधे और बाहों में लगातार होने वाले दर्द को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को इसे जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। इसके अलावा माफ कीजिएगा, कमजोरी महसूस होना या फिर चक्कर आना या फिर ठंडा पसीना निकलना, ये भी हार्ट अटैक के ही लक्षण हो सकते हैं। जबड़े, गर्दन, पीठ या पेट में किसी भी तरह का दर्द हो तो ये भी आपको अनदेखा नहीं करना है। बेचैनी हो, ये भी आपको अनदेखा नहीं करना है। सीने में दर्द के साथ साथ अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आपको आना चाहिए। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए लोगों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए और शराब, सिगरेट, इन सभी आदतों से दूर रहना चाहिए। ज्यादा फैट वाला खाना आपको नहीं खाना है, तला भुना खाना नहीं खाना है और मसालेदार खाने से भी आपको परहेज करना है। खाने में ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी से भी आपको बचना चाहिए और ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसको भी आपको कंट्रोल में रखना है। ब्लड प्रेशर आपका 120 और 80 के नीचे मेंटेन करना है, यही वो दायरा है जिसके बीच आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। साथ ही शुगर और कोलेस्ट्रॉल, इसको भी आपको देखते रहना है, रेगुलर आपको जांच कराते रहनी चाहिए। इसके अलावा शरीर के वजन पर भी आपको काबू रखना है। मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है अचानक आपका वजन घटने या फिर बढ़ने की वजह से भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी तो तुरंत डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए। और अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की बीमारी से जूझ रहे हैं तो नियंत्रित तौर पर दवाएं आप लेते रहें, ये डॉक्टरों की सलाह है। और आए दिन आप देखिए किस तरह से इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, इन सबके बीच ये सलाह डॉक्टरों की ओर से।
वहीं राजस्थान के कोटा में अंधविश्वास की वजह से एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ गई। वहां झाड़फूंक के दौरान शख्स को इतना मारा गया कि उसकी मौत ही हो गई। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में तांत्रिक शख्स को डंडे से बुरी तरह मारता नजर आया। तांत्रिक शख्स के हाथ और पैर को बांध कर मारता दिखाई दिया। तांत्रिक की पिटाई से शख्स चीखता और चिल्लाता नजर आया और तांत्रिक से ना मारने की गुहार लगाता दिखाई दिया। वीडियो में तांत्रिक एक के बाद एक शख्स को डंडे से मारता दिखाई दिया, जिससे शख्स बुरी तरह घायल हो गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने तांत्रिक पर हत्या का आरोप लगाया और कहा कि तांत्रिक की पिटाई से इसकी मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले इस शख्स की तबीयत खराब हुई थी। वो अजीब सी बातें और हरकतें करने लगा था, जिसके बाद उसे इस तांत्रिक के पास लाया गया, जहां तांत्रिक ने नशे की हालत में शख्स की पिटाई कर दी। पूरा मामला कोटा के सुल्तानपुर थाना इलाके का बताया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और देखिए, अब तक आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों के आतंक को देखा होगा, उसकी खबरें सुनती होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो कि ग्रेटर नोएडा की है, जहां पर एक सोसाइटी में बंदर ने जमकर आतंक मचाया। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक बंदर किचन के अंदर जा पहुंचता है और किचन में काम करने वाली महिला पर हमला बोल देता है और काफी देर तक उछल कूद मचाने के बाद बंदर भाग भी गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में बीते कुछ दिनों से लगातार बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीरें डराती हैं, ग्रेटर नोएडा की। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया है। भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर जब घने जंगलों के बीच से निकल रहा था, तो वहां फंसे लोगों ने जोर जोर से आवाज लगाकर मदद मांगी है। तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को देखते ही सेना का हेलीकॉप्टर वहां रुक जाता है और भारतीय वायुसेना के जवान और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम सूजीपारा झरने के पास फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। केरल में इस बार कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसके जख्म सालों तक नहीं भर पाएंगे। केरल के वायनाड में चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही है। वहीं वायनाड में लैंडस्लाइड में मृतकों की संख्या अब 350 के पार पहुंच गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय नौसेना ने भी वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वायनाड से एक तस्वीर सामने आई जिसमें भारतीय नौसेना के जवान राहत सामग्री लेकर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। खबर है कि वायनाड में चल रहे राहत बचाव अभियान में 78 नौ सैनिकों को लगाया गया है और इन नौ सैनिकों को चूरलमला और मंडकई में तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी को नदी के पास तैनात किया गया है, जहां से वो बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और भोजन पहुंचाएंगे, जबकि कुछ जवानों को जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए और कुछ जवानों को मलबे में दबे शवों को ढूंढने के काम में लगाया गया है। नौसेना के जवान स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और रेस्क्यू अभियान में जुटे लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं कोलकाता में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। कोलकाता हवाई अड्डे पर पानी भर गया, वहीं रनवे पर भी पानी नजर आया। और कोलकाता एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कोलकाता एयरपोर्ट की पार्किंग में काफी पानी जमा दिखाई दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि जिस जगह पर उड़ान के लिए प्लेन तैयार खड़े थे, वहां कई फीट पानी भरा था। पानी इतना ज्यादा था कि जो हवाई जहाज खड़े थे उनके पहिए पानी में पूरी तरह से डूबे नजर आ रहे थे। ये पानी एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया से लेकर रनवे तक भरा था, जिसकी वजह से यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी से भरे रनवे में उड़ान भरना मुश्किल हो रहा था। इसलिए तमाम एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को फोन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए पल पल की अपडेट दी और आगे के लिए तैयार रहने को कहा। हालांकि रात भरी बात यह रही कि भारी बारिश के बावजूद भी कोलकाता हवाई अड्डे पर फ्लाइट का संचालन सामान्य रूप से चलता रहा। वहीं बंगाल के आसनसोल से भी बारिश के बाद विनाश की तस्वीरें सामने आई। आसनसोल के गरुई नदी में एक कार डूब गई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार शख्स कल्याणपुर हाउसिंग के उपनाय ब्रिज को पार कर रहा था।
इस दौरान कार लहरों को चीर कर आगे नहीं बढ़ सकी और गरुई नदी में बह गई। अरे अरे कुछ लोग कार ड्राइवर को बार बार बाहर निकालने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कार ड्राइवर बाहर नहीं निकल सका और कार पानी में बहती चली गई। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कार सवार को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। क्योंकि नदी का बहाव काफी तेज था, इसलिए एनडीआरएफ के जवान राफ्ट के जरिए कार तक पहुंचे। क्योंकि रात की वजह से रेस्क्यू करने में देरी हुई, इसलिए रेस्क्यू टीमें जब तक वहां मदद के लिए पहुंचती, कार करीब करीब पानी में डूब चुकी थी। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने कार के पास पहुंचकर कार का दरवाजा खोला और कार सवार को किसी तरह बाहर निकाला। घंटों तक नदी में डूबे रहने की वजह से कार सवार शख्स ने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम चंचल विश्वास बताया जा रहा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। दफ्तर से घर लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। अरे अरे गिरिडीह के मटरुखा में उफनाई नदी से रेत का खनन करना भारी पड़ गया और देखते ही देखते गिरिडीह में नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रेत खनन में लगे 4 ट्रैक्टर सैलाब में फंस गए। इनमें से एक ट्रैक्टर तो सैलाब की मार को झेल ही नहीं पाया और वो नदी में ही पलट गया, जबकि पास में ही खड़ा एक और ट्रैक्टर पूरा नदी में समा गया और उसकी सिर्फ ट्रॉली ही दिखाई दी। इसके अलावा 2 और ट्रैक्टर वहां थे जो आधे आधे पानी में डूबे नजर आए। बताया गया कि जिस वक्त सैलाब आया, ट्रैक्टर ड्राइवर और कुछ मजदूर भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो समय रहते बाहर निकल गए और एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। वहीं राजस्थान के बीकानेर में भी कुदरत ने कहर बरपाया। कई घंटों तक जोरदार बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, तो वहीं रेल की पटरियों पर भी किस तरह से आप देखिए पानी भरती हुई नजर आए। लेकिन जैसे ही पानी से भरे रेलवे ट्रैक से एक मालगाड़ी गुजरी, वहां एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मालगाड़ी पानी को चीर कर सरपट दौड़ रही थी, जिसकी वजह से पानी के छींटे दूर तक पड़े। जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने इस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बीकानेर में भारी बारिश के बाद कई जगह सड़कें भी जलमग्न दिखाई दी। सड़कों पर कमर तक पानी भरा था, जिन पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। केदारनाथ धाम में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू अभियान सुबह 6 बजे शुरू हुआ और शाम होते होते तक 300 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। और केदारनाथ मार्ग से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें रेस्क्यू अभियान में जुड़े जवान श्रद्धालुओं को एक डंडे के सहारे उफनाई नदी को पार कराते दिखे। दरअसल ये लोग 31 जुलाई की रात को केदारनाथ मार्ग पर बादल फटने की वजह से वहां पर फंस गए थे, जिन्हें अब पहाड़ी मार्ग से सुरक्षित निकाला जा रहा है। हमारे द्वारा एक अच्छी तकनीक है, एक बांस का डंडा पकड़ कर नदी को क्रॉस करवाया जा रहा है। यहां से लो, लो, लो। देखो, एक एक करके हम नदी को पार करवा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवान लोगों को अपनी पीठ पर लाद कर पहाड़ियों से नीचे पहुंचा रहे थे। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज एक शव भी बरामद हुआ, जिसकी पहचान सहारनपुर निवासी शुभम कश्यप के रूप में की गई। प्रशासन को शक है कि जो लोग लापता हैं, उनके शव चट्टानों के बीच और मलबे में दबे हो सकते हैं, इसलिए आज पूरे दिन मलबा हटाकर शवों की तलाश की गई। बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग लापता हैं और शक ये है कि लापता लोग या तो पहाड़ियों में फंसे हैं या फिर उनके साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। और इसलिए बिना देर किए ही उत्तराखंड सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन खराब मौसम भी रेस्क्यू में बाधा बन रहा है। आज सुबह पहाड़ियों पर रेस्क्यू तो शुरू हुआ, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, देखिए दोनों हेलीकॉप्टर जिनसे रेस्क्यू किया जाना था, ये भीमबली के हेलीपैड पे पहुंचते और वहां से फंसे हुए लोगों को निकालते, लेकिन दोनों ही हेलीकॉप्टर दोनों ही चौपर अभी नहीं चल पा रहे। हालांकि कुछ घंटे बाद ही हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और भीमबली से 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। देखिए ये वो लोग हैं जो केदारधाम में फंसे हुए थे, इनको लाया गया है। और इसी तरीके से अगर रेस्क्यू अभियान आज चलता रहा तो और भी जो फंसे हुए लोग हैं उनको लाया जा सकेगा। आप देखिए फिर यहाँ से SDRF और टेक्निकल टीम को लेकर ये चौपर यहाँ से केदारधाम की ओर जा रहा है।
क्योंकि बादल फाड़ तबाही आने के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए प्रशासन ने आज वहां संचार सेवाएं भी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने पहाड़ी पर फंसे हुए लोगों की उनके घर वालों से और रिश्तेदारों से भी बात करवाई। वहीं हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने के बाद आई तबाही का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं कुल्लू में भी बादल फटने से भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई। वहां एक ड्रोन वीडियो सामने आया जिसमें कुल्लू मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा पूरी तरह से टूटा दिखाई दिया। कुल्लू मनाली हाईवे की सड़क बह जाने की वजह से सफेद रंग की एक कार भी वहां फंसी हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ पार्वती नदी पर बना बांध फटने के बाद ब्यास नदी तेज धार से बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भूस्खलन भी हो रहा है। ये आप देखिए कि किस तरह से पेड़ गिरे पड़े हैं और सामने की तस्वीर आप देखिए कितनी भयावह तस्वीर है, जहाँ पर पहाड़ पूरा कट चुका है। कुल्लू के बदरोल गाँव में हालात बेहद खराब है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के डर से यहाँ रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। हालांकि रामपुर में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने लोगों को नदी पार कराने के लिए आज एक टेम्पररी पुल बनाया और सेना के जवानों ने नदी के ऊपर रस्सी का एक टेम्पररी पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मंडी पडो हाईवे पर बीती रात 11 बजे लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से ये हाईवे रात भर बंद रहा और वहां भीषण जाम लग गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी दिखाई दी। हालांकि प्रशासन ने जल्दी मलबा हटाकर हाईवे खोल दिया और आवाजाही शुरू कर दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अपील की गई कि लोग मंडी पंडो हाईवे पर कुछ दिनों के लिए सफर ना करें, क्योंकि यहां सफर करना खतरे से खाली नहीं। पश्चिम बंगाल का समुद्री तट दीघा, यहाँ भी मौसम बेहद खराब है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पर खराब मौसम के बावजूद भी आप देखिए किस तरह से पर्यटकों की भीड़ दिखाई दी। वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ ये साबित करती है कि ऐसे मौसम में उन्हें जान की परवाह नहीं और अपनी जिंदगी को दाव पर लगाते हुए वो समुद्र में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज लहरों के बीच पर्यटक समुद्री तट किनारे बड़े आराम से घूमते हुए नजर आए, साथ ही उफनते समुद्र में वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद लेते नजर आए। आसमान में भारी बादल और हल्की बरसात के चलते भी समुद्र काफी उफान पर नजर आया। ऐसी स्थिति में पर्यटकों पर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए हैं। जगह जगह पुलिसकर्मी लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह देते दिखाई दिए, साथ ही समुद्र में ज्यादा आगे जाने से लोगों को रोकने के लिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, जिससे कि समुद्र में कोई घटना न घट जाए। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 13 अन्य लोग घायल हो चुके हैं। हालात को देखते हुए मछुआरों को भी समुद्र में उतरने के लिए मना किया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शिव भक्तों पर पथराव का मामला सामने आया, जहां पर डीजे बजाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। इसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने शिव भक्तों पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद सड़क पर इधर उधर पत्थर पड़े दिखाई दिए। पथराव में कई शिव भक्त घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। दरअसल भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद देर रात एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। ये विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ, जिसके बाद ये पथराव हुआ। पूरा मामला उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली इलाके के महुआ डाबरा का बताया गया, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 14वें दिन बाबा बैद्यनाथ का धाम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। बिहार के भागपुर से भारी संख्या में कांवड़िए जल लेकर बाबा बैद्यनाथ के धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच रहे कांवड़ियों में गजब का उत्साह नजर आया। भारी संख्या में पैदल यात्रा कर रहे कांवड़ियों ने बम बम भोले का जयकारा लगाया और बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते दिखाई दिए। कांवर में जल भरकर जो कांवड़िया हैं सुल्तानगंज से कच्ची कांवड़िया पथ होकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कांवड़िया पथ पर देखी जा रही है। बोलबम का जयकारा लगाते ये सभी कांवड़िया सावन के तीसरे सोमवार पर झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बाबा का बुलावा है, हर साल जाते हैं, बाबा बुला रहे हैं तो जा रहे हैं, कष्टकार नहीं है, मन लग रहा है, देख ही रहे हैं लोग जा रहे हैं। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट पहुंचे, कांवड़ियों की सुविधा बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया।
वहीं इस साल श्रावणी मेले में आने वाले कांवड़ियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,32,000 कांवड़िए पैदल वैद्यनाथ धाम मंदिर गए हैं। वहीं 22 जुलाई से अब तक 7,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन किए हैं। उत्तर प्रदेश में घूमने और धार्मिक पर्यटन को लेकर सरकार सैलानियों को बेहतर सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में यूपी पर्यटन विभाग ने नई योजना तैयार की है। इस योजना के तहत क्या कुछ है आपको बताते हैं। देखिए, इस लिहाज से पर्यटन विभाग 1001 ढाबों को विकसित कराने का काम करेगा। विभाग ने राजमार्ग और प्रमुख मार्गों के किनारे स्थित ऐसे 1001 ढाबों की सूची भी बना डाली है। इन ढाबों में बेहतर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ विकसित किया इस पूरे इलाके को जाएगा और इन सुविधाओं के विकास के लिए विभाग 25-30% छूट भी देगा। साथ ही आपको बता दें कि ढाबों का बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया जाएगा ताकि पर्यटकों को इसका लाभ मिल सके और इन कंपनियों के उत्पाद भी ढाबों पर आसानी से मिल सके। इसके अलावा ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारियों को आपको बता दें किस तरह से जो अतिथि है उनके सत्कार की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यूपी सरकार के मुताबिक 2023 में 48 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने यूपी का रुख किया है और लाखों की संख्या में सैलानी अयोध्या, काशी, मथुरा और इसी के साथ साथ तमाम बौद्ध स्थल पर पहुंच रहे हैं। तो इसी कड़ी में आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अब इसको लेकर आगे बढ़ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर सलेम में एक शख्स ने प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए अनोखा मंदिर बनवाया जिसकी अब गांव में लोग पूजा कर रहे हैं। सलेम के मल्ला मुपम्बट्टी के रहने वाले लोगनाथन ने अपने गांव में एलियन का मंदिर बनवाया है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया में एलियन के लिए बना पहला मंदिर है। लोगनाथन ये दावा करते हैं कि उन्होंने मंदिर बनाने से पहले एलियन से बात की और ये मंदिर बनवाया है। मूर्ति के गले में लंबी सी माला डाली गई है जो गले से लेकर पांव तक है। इस मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हैं और पूजा की तैयारी कर रही हैं। लोगनाथन के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 3/4 एकड़ जमीन पर बनवाए गए इस मंदिर में शिव, पार्वती, मुर्गन, काली जैसे देवताओं और एलियंस की मूर्तियां जमीन से 11 फीट नीचे एक तहखाने में स्थापित की गई हैं। और इनका मानना है कि आपदाओं को रोकने की शक्ति केवल एलियंस के पास ही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगी। इस मिशन के लिए एक बैकअप पायलट को भी चुना गया है। दरअसल भारत के पहले इंसानी मिशन गगनयान से पहले ग्रुप कैप्टन सुभांशु इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की उड़ान भरेंगे। भारत और अमेरिका के ज्वाइंट एक्सियोम 4 मिशन के लिए शुक्ला को प्राइम एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया है। वहीं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को मिशन के लिए बैकअप एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना गया है। भारत ने अमेरिका स्थित एक्सियोम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है जिसमें ये भारतीय प्राइम और बैकअप मिशन पायलट होंगे। इनकी ट्रेनिंग अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगी। सुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं। सुभांशु ने नेशनल डिफेंस अकेडमी से ट्रेनिंग ली है। विमान उड़ाने का 2000 घंटे का लंबा अनुभव है। सुभांशु फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट हैं। सुखोई 30, मिग 21, मिग 29 जैसे विमान उड़ा चुके हैं। हालांकि ISS के बाद शुक्ला और नायर गगनयान मिशन के तहत 2025 में अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। गगनयान मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया है जिसमें शुक्ला और नायर के अलावा भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप भी शामिल हैं। बिहार के समस्तीपुर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई जहां पर एक युवक को सांप ने काट लिया। इसके बाद युवक ने जो किया अब वो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल सांप के काटने के बाद युवक अस्पताल पहुंचा लेकिन अकेले नहीं, अपने साथ जिंदा सांप को पकड़कर पहुंच गया। जिंदा है कि? युवक के हाथ में जिंदा सांप को देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवक के हाथ में सांप को देखकर वहां मौजूद स्टाफ और मरीज भी डर गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने युवक को समझाया। समझाने के बाद युवक ने सांप को दूर किया। मामला मुफस्सिल थाना इलाके के माधोपुर छतौना गांव का बताया गया है, जहां कमलेश चौधरी अपने घर के सामने रखी ईंट हटा रहा था। इसी दौरान एक जहरीली सांप ने उसे काट लिया, जिसके बाद युवक बिना डरे उस सांप को पकड़कर इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद यहां पर लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। दरअसल नेशनल हाईवे पर लगा यह जाम ट्रक चालकों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गया है। वन वे चल रहे ट्रक चालकों के लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं।
हालात ये बन गए हैं कि ट्रक चालक सड़क पर ही खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे ट्रक चालक सड़क पर ही अपनी गैस लगाकर खाना बनाते दिखाई दिए। कई किलोमीटर तक लगे इस जाम में ट्रक चालक बीच में फंसे हुए दिखाई दिए। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सड़क पर ट्रक खड़े हुए ही दिखाई देंगे। दूर तक ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं यूपी के वाराणसी में एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया गया, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था। चकमा देने के लिए शख्स ने पुलिस की वर्दी भी पहनी हुई थी और शख्स बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद संदेह होने पर पुलिस ने इस फर्जी दारोगा को पकड़ लिया। शख्स का नाम अभय सिंह बताया गया। अभय सिंह जालौन जनपद का रहने वाला है। पुलिस कर्मियों ने पहले इस फर्जी दरोगा को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ के बाद अभय सिंह के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार फर्जी दरोगा ने इसके पहले भी वर्दी पहनकर अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया था। एक फर्जी दरोगा जो है वर्दी पहन करके दर्शन करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें इनकी जो गतिविधि थी वो संदिग्ध लगी और उसमें जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने तत्काल इससे पूछताछ शुरू करी, जिसमें पता चला कि ये एक आदमी जो है अभय प्रताप सिंह नाम से है और फर्जी जो है वर्दी पहन करके दरोगा बनकर के दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। इनको तत्काल गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि फर्जी दारोगा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसका इलाज भी चल रहा है। हालांकि पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, साथ ही उसके मानसिक अस्वस्थता के इलाज के साथ साथ जांच कर इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा। Zee News.